हेलो दोस्तों, सामर्थ्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अभयारण्य के बारे में। जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं, कौन कौन से ज़िले में है और इनके स्थापना कब हुई और इनके क्षेत्रफल क्या क्या हैं और ये किन किन जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभयारण्य है ना। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभयारण्य हैं। कितने अभयारण्य हैं, टोटल 11 अभयारण्य हैं, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हम दोस्तों हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी चीज़ पढ़े तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको संभाग के अनुसार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, संभाग के अनुसार पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है ना। तो एक संभाग था सरगुजा, एक था बिलासपुर, एक था दुर्ग, एक था रायपुर और एक था बस्तर। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य हैं, 11। अब ये 11 अभयारण्य कौन कौन से ज़िलों में पड़ता है, ये आपसे पूछता है। आपसे पूछता है भोरमदेव अभयारण्य कौन से ज़िले में है, आपसे पूछता है गोमर्दा अभयारण्य कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखें तो 11 अभयारण्यों में से 3 अभयारण्य जो है वो कहाँ है, सरगुजा संभाग में है। आपको पता ही होगा कि सरगुजा संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। यहाँ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, यहाँ कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, फिर क्या है, बलरामपुर और फिर क्या है, जसपुर। इस तरीके से यहाँ 6 ज़िले हैं। तो इन 6 ज़िलों में से ये 3 ज़िले जो हैं, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, इन 3 ज़िलों में क्या पाया जाता है, अभयारण्य पाया जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, सूरजपुर ज़िले से, कि सूरजपुर ज़िले में तमोर पिंगला अभयारण्य पाया जाता है। कौन सा अभयारण्य पाया जाता है, तमोर पिंगला अभयारण्य जो है वो पाया जाता है, कहाँ, सूरजपुर में। ठीक है, फिर जस्ट नीचे में क्या है, बलरामपुर, जस्ट उसके बगल में, यहाँ क्या पाया जाता है, बलरामपुर में कौन से अभयारण्य पाया जाता है, बलरामपुर में पाया जाता है सेमरसोत, सेमरसोत अभयारण्य पाया जाता है। और जसपुर में एक अभयारण्य पाया जाता है जिसका नाम है बादल खोल, है ना। तो इस प्रकार सरगुजा संभाग में 3 अभयारण्य है, कौन कौन सा, सेमर तमोर पिंगला, सेमरसोत और बादल खोल। आपसे पूछता है सेमरसोत कौन से ज़िले में है ना, तमोर पिंगला किस ज़िले में है, बादल खोल किस ज़िले में है। ठीक है, तो आपको जिलों का नाम याद रखना है कि कौन सा अभयारण्य कौन से ज़िले में है ना। तमोर पिंगला है ना, एक तमोर पहाड़ है जहाँ से पिंगला नदी निकलती है, उसी के नाम पर इस अभयारण्य का नाम क्या पड़ा है, तमोर पिंगला, तमोर पहाड़ और पिंगला नदी। तो कभी कभार आपसे पूछ देता है तमोर पहाड़ कहाँ है, पिंगला नदी कहाँ है, तो सूरजपुर में है। ठीक है, तो देखिए स्थापना है ना, क्या स्थापना, तमोर पिंगला की स्थापना कब हुई है, 1978 में। सेमरसोत की स्थापना कब हुई है, 1978 में। और बादल खोल की स्थापना कब हुई है, 1975 में। तो ये आपसे पूछता है तमोर पिंगला कब बना, 78, सेमरसोत कब बना, 78, बादल खोल कब बना, 1975। तो यही चीज़ आपसे पूछता है कि बादल खोल की स्थापना कब हुई, सेमरसोत की स्थापना कब हुई। ठीक है, ठीक। अब हमको क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। जैसे कि तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है, किसका क्षेत्रफल कितना है, तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है। तो तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर, 608 वर्ग किलोमीटर है तमोर पिंगला का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आप याद रखिए तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 608 वर्ग किलोमीटर में फैला है, कहाँ, सूरजपुर जिले में। स्थापना कब हुई, 1978। ठीक है, फिर बात करते हैं सेमरसोत की। तो सेमरसोत का क्षेत्रफल कितना है, 430 वर्ग किलोमीटर और स्थापना कब हुई, 78 में। तो सेमरसोत का क्षेत्रफल आपसे पूछता है। बादल खोल, बादल खोल का क्षेत्रफल कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर है ना। तो छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, वो है बादल खोल। ठीक है, और सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, वो है तमोर पिंगला।
तो आपसे दो क्वेश्चन उठता है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है। तो आप याद करने का डाइवर्सिटी फैलाइए, अब अलग अलग तरीके से याद कीजिए, ठीक है। सरगुजा संभाग में 3 अभ्यारण्य है, जिसमें से 2, एक सबसे बड़ा है एक सबसे छोटा है। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला, सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल, ठीक है। कब बना है? ये बना है 78 में, ये बना है 75 में। या आपको याद रखना है कि 78 78 75, दो बार आप लिखिए 78 78 और 75, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं कि सरगुजा संभाग में कितने अभ्यारण्य है, तो 3 अभ्यारण्य है। कभी कभार आपको स्टेटमेंट में पूछ देगा कि सरगुजा संभाग में 3 अभ्यारण्य है, कथन एक सही या गलत, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 अभ्यारण्य है, तमोर सेमर बादल 1978 1978 75, क्षेत्रफल कितना है 608 105 430, ठीक है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग में कौन कौन से अभ्यारण हैं? तो बिलासपुर संभाग में कितने अभ्यारण हैं? 2, ठीक है। कौन कौन सा? एक अभ्यारण है रायगढ़ में, जिसका नाम है गोमरदा। क्या नाम है? गोमरदा, जो सोन कुत्ते के लिए फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछता है सोन कुत्ता कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? गुमरदा में, ठीक है। एक है आपका कहाँ? मुंगेली में। मुंगेली में कौन सा है? जिसको आप सब जानते हैं किस नाम से, अचानक मार। अचानक मार है ना, किस नाम से जानते हैं? अचानक मार, ठीक है। और ये कहाँ है? गुमरदा कहाँ है आपका? कहाँ है? रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में। तो आपसे पूछता है गोमरदा अभ्यारण्य कहाँ है? रायगढ़ में। अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेली में, ठीक है। अचानक मार अभ्यारण्य है ना, देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है ना। अचानक मार अभ्यारण्य देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व, किसके साथ? अमरकंटक के साथ मिलाकर। आपसे पूछता है कब बनाया गया? तो 2005 में बायोस्फीयर बनाया गया। अभी तो हम देखते हैं स्थापना, तो गुमरदा की स्थापना कब हुई? 1975 में। और अचानक मार की भी स्थापना कब हुई है? 1975 में, ठीक है। गुमरदा 1975, अचानक मार 1975, ठीक है। तो यहाँ 3 था, यहाँ कितने हैं? 2 हैं, गुमरदा और एक अचानक मार। 1975 75 में दोनों बना है। तो आप देखिए 78 में 2, 75 में 3, ठीक है। मैप के थ्रू आप याद करोगे तो बहुत आसानी से याद होगा, है ना। अचानक मार को मरकंटक के साथ मिलाकर देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कब? 2005 में, ठीक है। आपसे ये चीज़ भी पूछता है, है ना। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो गुमरदा का क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 278 वर्ग किलोमीटर है किसका? गुमरदा का, ठीक। फिर हम आते हैं कहाँ? अचानक मार। अचानक मार का क्षेत्रफल कितना है? अचानक मार का क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर, है ना। यहाँ से थोड़ा सा काटना है ना, ठीक है, ठीक। फिर हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रफल की। तो इसकी क्षेत्रफल कितना है? 552 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो अचानक मार का क्षेत्रफल कितना हुआ? 552 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे यही पूछेगा, बिलासपुर संभाग में पूछेगा या तो कितने ज़िले हैं, या सीधा सीधा पूछेगा गुमरदा कौन से ज़िले में है, मुंगे अचानक मार कौन से ज़िले में है, स्थापना कब हुई। दोनों बिलासपुर में 2 है, दोनों की स्थापना 1975, एक का क्षेत्रफल 278 और एक का क्षेत्रफल 552, ठीक है। फिर हम आते हैं कहाँ? रायपुर संभाग में। कहाँ आते हैं? रायपुर संभाग में। अब देखते हैं रायपुर संभाग में कौन कौन से अभ्यारण है। तो रायपुर संभाग में 3 अभ्यारण है, ठीक है। सबसे पहला एक अभ्यारण है जो बलौदा बाजार में है, जैसे यहाँ आपका क्या है? बलौदा बाजार, तो इसमें एक अभ्यारण है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? महासमुंद। महासमुंद नहीं है, है ना। एक है आपका क्या? गरिया बंद। क्या है? गरिया बंद। तो गरिया बंद में है एक अभ्यारण्य, और एक है आपका क्या? धमतरी। तो धमतरी में है एक अभ्यारण्य। तो इन रायपुर संभाग के इन 3 जिलों में क्या है?
हमारा अभ्यारण्य है। जैसे बलौदा बाजार में जो अभ्यारण्य है जिसका नाम है बार नवा पारा, क्या है बार नवा पारा। तो याद रखें कि बलौदा बाजार बनने से पहले जो बार नवा पारा है वो महासमुंद में आता है, और अब यहाँ बलौदा बाजार प्लस महासमुंद कर लो, क्योंकि अभी भी कुछ क्षेत्रफल जो है वो महासमुंद में बार नवा पारा अभ्यारण्य के आते हैं। ठीक है, गरियाबंद में कौन सा अभ्यारण्य है? गरियाबंद में है उदयंती अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य है? उदयंती अभ्यारण्य है ना। और धमतरी में कौन सा अभ्यारण्य है? सीता नदी अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता नदी अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार आप रायपुर संभाग में देखें तो तीन अभ्यारण्य है, बार नवा पारा, उदंती और सीता नदी। ठीक, अब आपसे क्या पूछता है, बार नवा पारा की स्थापना कब हुई? तो बार नवा पारा की स्थापना हुई है 1976 में। आपसे पूछता है उदंती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो उदंती अभ्यारण्य की स्थापना हुआ है 1983 में। आपसे पूछता है सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1974 में। कब? 76, 83, 74। ठीक है, तो आप याद रखिए बार नवा पारा, ठीक है, फेमस है, सब लोग जाते हैं, यहाँ रिसॉर्ट है, वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना। तो अब बार नवा पारा के बारे में आप विशेष क्या याद रखोगे कि बार नवा पारा में विशेष आपको याद रखना है कि यहाँ तुरतुरिया आश्रम है। कौन सा आश्रम है? तुरतुरिया आश्रम है। तुरतुरिया आश्रम क्यों फेमस है? लव कुश का जन्म स्थली माना जाता है, भगवान राम के दो पुत्र लव कुश के जन्म स्थली किसको माना जाता है? तुरतुरिया को माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बार नवा पारा में सात देवधारा, सात देव धारा नामक जलप्रपात है। कौन सा? सात देव धारा है ना, और सात धारा जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, तो बार नवा पारा में तुरतुरिया आश्रम है, लव कुश का जन्म स्थल है, और सात देव धारा। ठीक है ना, स्थापना कब हुई है? 1976 में। ठीक है, अब हम देखते हैं बार नवा पारा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, अब सीता नदी का क्षेत्रफल क्या है? 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका? सीता नदी का। आप याद रख ले, सीता नदी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? तमोर पिंगला 608, उसके बाद 559, कौन सा? सीता नदी। तो ये दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और सीता नदी नाम कैसे पड़ा? महानदी की जो सहायक नदी है देवखुट, और देवखुट की सहायक नदी है क्या? सीता नदी है ना, जो इस अभ्यारण्य के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीता नदी पड़ा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसका, फिर हम बात करते हैं किसका, उदंती अभ्यारण्य की। तो उदंती अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य का क्या है? 230 वर्ग किलोमीटर। तो आपको इतना चीजें याद रखना है, क्या रायपुर संभाग तीन क्या है अभ्यारण्य, एक है बलौदा बाजार महासमुंद में बारनवा पारा, एक है गरियाबंद में उदंती, एक है धमतरी में सीता नदी। ठीक है, स्थापना कब? 76 में, 83 में, 1974 में। ठीक है, सबसे पुराना अभ्यारण्य आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? सीता नदी है। ठीक है, क्यों? 1974 में स्थापना हुई, ये सबसे पहला अभ्यारण्य है। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य के बारे में आपको जानना है कि यहाँ करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रही है, करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ रिसर्च कर रही है किस पर? हमारे राजकीय पशु वन भैंसा पर। ठीक है, और आपको ये भी जानना है कि उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा जो है वो पाया जाता है। ठीक, फिर हम आते हैं कहाँ, सीता नदी 1974, 559 और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना
और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। फिर आप देखिए कि बीजापुर में दो अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है, एक का नाम है पामेड़ और एक का नाम है क्या, भैरमगढ़। एक का नाम है पामेड़ और एक का नाम है भैरमगढ़, और दोनों की स्थापना कब हुई, 1983 में हुई। एक का नाम है पामेड़, एक का नाम है भैरमगढ़, और दोनों की स्थापना कब हुई, 1983 में हुई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप देखिए कि पामेड़ का क्षेत्रफल है 265 और इसका क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर। ठीक है, है ना, तो आप याद रखिए ये दोनों कहाँ हैं, बीजापुर में। तो 1983 में एक चीज़ याद रखिए कि तीन जो अभ्यारण्य है 1983 में बना है। एक कौन सा, गरियाबंद में पाया जाता है जिसका नाम है उदयंती, उसके बाद पामेड़ और भैरमगढ़, ये 83 में बना है। 78 में 200 बना है, 75 में 3 बना है। ठीक है, 12, 9, 12, 76 और ये 74। अब दुर्ग संभाग में एक बनता है कहाँ, कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में एक फेमस मंदिर है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कवर्धा में कौन सा फेमस मंदिर है, भोरम देव। तो भोरम देव अभ्यारण्य, भोरम देव अभ्यारण्य, ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है। नवीन अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ के सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन है, तो वो कौन है, भोरम देव। कौन सा है, भोरम देव। ठीक है, भोरम देव वही मंदिर है ना, जिसको फणी नागवंशी शासक गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय ने मिलकर 1389 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, किसको, भोरम देव को। तो उसी मंदिर के नाम पर क्या एक अभ्यारण्य बनाया गया है, भोरम देव, जिसका स्थापना हुआ है 2001 में। तो इस प्रकार आप देखें तो 11 अभ्यारण्य यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक है। ठीक है, तो ये आपके 11 अभ्यारण्यों की क्या है, लिस्ट है, और उसकी स्थापना कब हुई है वो है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मेन जानवर और कौन कौन से अभ्यारण्य में क्या क्या चीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अचानक मार का बात करूं, ठीक है, किसका बात करूं, अचानक मार का बात करूं, तो आप याद रखिए अचानक मार अभ्यारण्य क्यों फेमस है, क्योंकि इसे देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यह चीज़ भी आप याद रखिए, इसको 14वां नंबर का बनाया गया है, किसके साथ, अमरकंटक प्लस अचानक मार, इसको कहा जाता है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। कब बना है, 2005 में बना है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, 3833 इसका क्या है, क्षेत्रफल है 3833 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि अचानक मार में सबसे ज़्यादा जानवर कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, तेंदुआ, है ना। आप इसमें और लिख सकते हो क्या, बघीरा, ठीक है, मतलब काला बाघ। ठीक है, तो एक अचानक मार जो है वो आपका पढ़ने लायक है। ठीक है, फिर आपका कौन सा पढ़ने लायक है, तमोर पिंगला में आपसे पूछता है कि तमोर पिंगला जो है वहाँ कौन से जानवर सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो तमोर पिंगला और सेमरसोत में नीलगाय सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर आपसे गोमर्दा पूछता है कि गोमर्दा क्यों फेमस है, तो यहाँ सोन कुत्ता पाया जाता है, इसलिए गोमर्दा जो है वो फेमस है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है 12वां 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 के बारे में, तो 12वां 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 के बारे में तुरतुरिया आश्रम, 7 देवधारा। इसके अलावा आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा शाकाहारी जानवर कहाँ पाया जाता है, तो वो पूछा जाता है 12वां 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 में सबसे अधिक शाकाहारी जानवर पाया जाता है। ठीक है, रायपुर वाले के लिए 12वां 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 कॉमन है, क्योंकि जब भी प्लानिंग हुआ है ना पार्टी करने का, तो सब 12वां 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 का रिसॉर्ट जो है वो पहुँच जाते हैं, है ना। फिर उदंती के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो उदंती नदी इसके बीचों बीच से बहती है, इसलिए इसका नाम है। यहाँ वन भैंसा पाया जाता है, वन
भैंसा और पहाड़ी मैना, वन भैंसा और क्या पाया जाता है, पहाड़ी मैना पाया जाता है, ठीक है ना। फिर सीता नदी में याद रखना है कि सीता नदी बीचों बीच बहती है ना, महानदी की सहायक नदी, सबसे पुराना है ना। सीता नदी में भी क्या पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, सीता नदी में भी तेंदुआ पाया जाता है ना, ठीक है। तो कुछ ये अभ्यारण्य के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। भोरामदेव अभ्यारण्य सबसे नवीन 2001 में बना है, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य हैं जहाँ जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा अगर मन में आए कि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में क्या अंतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, जीव जंतु संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, तो क्या ज़रूरत है नेशनल पार्क एक को बोलने का, एक का अभ्यारण्य बोलने का, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियाँ जो है वो प्रतिबंधित होती है। मतलब अगर किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है तो आप वहाँ खेती नहीं कर सकते, वहाँ से लकड़ी नहीं ला जा सकते, वनोपज जो होते हैं उनका संग्रहण नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट मानव गतिविधियाँ जो हैं वो क्या होती है, बंद होती है। लेकिन अभ्यारण्य में आप देखेंगे कि जैसे आप बार नवा पारा चले गए, अचानक मार चले गए, है ना, या भोरामदेव चले गए, तो इन अभ्यारण्यों के आसपास के जो रहवासी हैं वो वहाँ लघु वनोपज, ठीक है, का संग्रहण करते हैं, खेती करते हैं, है ना, वहाँ से लकड़ी लाते हैं, तो ये सब क्या होता है, अनुमति होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आप याद रखिए छत्तीसगढ़ में 3 अभ्यारण्य है, तीन राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एक का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और एक का नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, पूरा अभ्यारण्य के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं किसकी, नवीन पैटर्न की। तो अब आपसे देखा गया है कि आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है क्या कि ये अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है, वो अभ्यारण्य कौन से ज़िले में है, ऐसा आपसे नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि आप अभ्यारण्य को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम या आरोही क्रम, है ना, इसमें जमाइए। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में हम देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, तमोर पिंगला, क्या आएगा, तमोर पिंगला। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये 608 है, फिर सीता नदी आ जाएगा, 559 था, फिर कौन सा आ जाएगा, सीता नदी आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन कौन सा आ जाएगा, अचानक मार आ जाएगा, 552 है, अचानक मार, ठीक है, अचानक मार से और छोटा कौन सा है, सीधा सीधा सेमर सोता आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, सेमर सोता जाएगा, सेमर सोता जाएगा, ठीक है, इसका 608 है, ये 559 है, ये 552 है और सेमर सो 430 है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या स्थापना के अनुसार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, ठीक है। आपसे जो करेंट है इस रिलेटेड, किससे, अभ्यारण्य से करेंट एक टॉपिक है ना, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सा है, है ना, आप लोग सब पढ़े ही होंगे, है ना, जैसे न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था एक हाथी रिजर्व के बारे में या एलिफेंट रिजर्व के बारे में आ रहा था, ठीक है, एक एलिफेंट रिजर्व, है ना, एलिफेंट रिजर्व के बारे में अभी आपके पेपर न्यूज़पेपर्स में काफ़ी चर्चित है ना, हाथी रिजर्व जिसका क्या नाम है, लेमुरू, तो आप पेपर में पढ़े होंगे लेमुरू हाथी रिजर्व, तो ये इससे रिलेटेड एक करेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो रेमुलू हाथी रिजर्व के बारे में आपको जानना है कि ये कहाँ बनाया जा रहा है, कोरबा, सरगुजा और धरम जयगढ़ और कटघोरा, इन 4 वन मंडलों के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या बनाया जा रहा है, लेमुरू हाथी रिजर्व बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि लेमुरू हाथी रिजर्व कौन कौन से कहाँ है, वन मंडल के अंतर्गत है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1995, ठीक है। चलो,
आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। धन्यवाद।